राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा के विषय में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, जिसको लेकर परीक्षार्थियों में लगातार असमंजस की स्थिति बढ़ती जा रही है। लेकिन अब आपको बता दें, 10वीं बोर्ड परीक्षा के विषय में देश के अधिकतर राज्यों ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया, जबकि कुछ राज्य अभी भी CBSE के निर्णय पर निर्भर हैं। वहीं यदि राजस्थान की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान बोर्ड 10वीं की बजाय अब 11वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अब प्रोन्नति दी जाएगी और कक्षा 11वीं बोर्ड परीक्षा में 10वीं के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। हालांकि बोर्ड के मुताबिक अंतिम फैसले की घोषणा परीक्षा से 15 दिन पूर्व की जाएगी। साथियों, आपको बता दें, अभी ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी है कि जल्द से जल्द ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में गाइडलाइन जारी की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, 10वीं की परीक्षा को लेकर CBSE के निर्णय का इंतजार रहेगा, जबकि 12वीं बोर्ड परीक्षा लगभग तय मानी जा रही है। तो बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अधिकतर राज्यों ने इस परीक्षा के पैटर्न को बदलने पर विचार किया है, जिसमें त्रिपुरा ने 10वीं की परीक्षाओं में केवल गणित, अंग्रेजी और विज्ञान की परीक्षाओं की ही लेने के बारे में ऐलान किया है। ऐसा ही आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किया गया। तो इस विषय पर भी एक विकल्प पर विचार किया जा रहा है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में लागू किया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय क्या होता है, इसके बारे में लगातार आप जुड़े रहे हमारे साथ में। जैसी इसके संबंध में बड़ी अपडेट आएगी, आप तक उसे पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में साथी वस्तना ही। नमस्कार।